ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार है। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय अर्थात महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में, जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचारी आदि व्रतों का पालन करने वाले महर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोम हर्षण पुत्र उग्र सर्वा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्म ऋषियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रसर्वा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्रसर्वा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र श्रवा जी का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोम हर्षण पुत्र उग्र श्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्र श्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभ आगमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्र श्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र श्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहां आपके पास आया हूं। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान संध्या वंदन जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्र श्रवा जी, परम श्री श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है,
जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य अनुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशम पायन ने आनंद में भरकर भलीभांति इसका निरूपण किया है। उग्र श्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आह्वान और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसके अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो ऋत अर्थात सत्य स्वरूप, एकाक्षर ब्रह्म अर्थात प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्त अव्यक्त अर्थात साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर अर्थात स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा, पुराण पुरुष, सर्व उत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धिक्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु हृषिकेश अर्थात मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत के तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण आदि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ ललित एवं मंगलमयी शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्रव्रजा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वती गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के आरंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को चार प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्टि प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के सात पुत्र क्रोध तम दम अक्रीत अंगिरा करदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि सात ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं।
अप्रमेय आत्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। तदंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्म ऋषिगण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सबके सब शौर्य आदि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है, वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है, वह सब प्रलयकाल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत कालचक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है। पूर्व काल में दिवहपुत्र, बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह तथा रवि, ये सब शब्द विवश्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है, वे मही अर्थात मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सबके सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: दश ज्योति, सत ज्योति तथा सहस्त्र ज्योति। महात्मा दश ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहां शत ज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्त्र ज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्म, उपासना, ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भलीभांति अनुभव किया। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वसु की कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेघा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके
इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त व्रतधारी, निग्रह अनुग्रह समर्थ, सर्वज्ञ पराशर नंदन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता एवं लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्यकाल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर कलयुग, इन सबके परिमाण और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत अर्थात अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोक उपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सबका इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। मैं जानता हूं कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। उग्र सर्वाजी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके
अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। निष्पाप शौनक, तदंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आए जहां व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए, मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूं। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कौतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वापायन मुनि ने यह बात कही है, इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूं, शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं इसमें संदेह है। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीर अर्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी इन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसारी जीव ज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञान अंजन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है। यह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रतौधी दूर करता, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग ग्रह को भलीभांति ज्ञान आलोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है संग्रह अध्याय और जड़ है पौलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर हैं। अरण्य पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशिक पर्व इसकी छाया हैं तथा शांति पर्व इसका महान फल। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वासिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, यह भारत एक वृक्ष है। इसके स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल हैं धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वापायन व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से तीन अग्नियों के समान तेजस्वी तीन कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं
धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीन पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे, अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश मिलता, तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भलीभांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्य परायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 100,000 श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत महाभारत जानना चाहिए। तदंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृतांतों की अनुक्रमणिका सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर उन्होंने दूसरे दूसरे सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उस ग्रंथ के 30,00,000 श्लोक देवलोक में समाहत हो रहे हैं। पितृलोक में 15,00,000 तथा गंधर्व लोक में 14,00,000 श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 100,000 श्लोकों का आद्य भारत महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया। शुकदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेत्ताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वही 100,000 श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण स्कंद, शकुनी शाखा और दुस्शासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल हैं। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्रिनंदन इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ हैं। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने यह शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। पूर्वोक्त शाप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। पतिप्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आह्वान किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई
और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इस प्रकार पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगरवासी, शिष्ट तथा वर्ण आश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते, ये पांडु के पुत्र नहीं हैं। दूसरे कहते, अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते, जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे, हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु के संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी, ये पांडव ही हैं। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कारी सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु भक्ति, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। तदंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय आदरणीय हो गए और युद्ध क्षेत्र में प्रचंड माटंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसुई नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदिराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूई का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा राजाओं के यहां से मणि, सुवर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृग चर्म तथा रंकु नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार के बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देखरेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वह बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मई दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को अधिक संताप हुआ।
उसी सभा भवन में जब संभ्रम अर्थात जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा, उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय धूत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे, अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर भीष्म द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोध अग्नि में भस्म कर डालेंगे। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन कर्ण और शकुनी के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय मेरी सब बातें सुन लो, फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान मेधावी बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया इसमें मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूं, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूं। मंद बुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूई यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्वक धूत खेलने का ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है उसे कहता हूं, सुनो। सूत नंदन, मेरे उन बुद्धिमत्ता पूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञा चक्षु हूं। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने जबकि वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया, संजय, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं
और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं। संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वला अवस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीटकर लाई गई है, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि धूर्त एवं मंदबुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसका पार न पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उसका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, तभी मैं विजय के संबंध में निराश हो गया। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तभी मेरी आशा निराशा में परिणत हो गई। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधारते और उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्रीभाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्य संध धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचारी आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, तभी से मेरी युद्ध में विजय की आशा जाती रही। जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालकेई तथा पौलोम नाम के असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, तभी से, संजय, मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, संजय, तभी से मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं। जब मैंने सुना कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमस जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमस जी के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अभीष्ट वस्तु दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंधी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। सूत, संजय,
जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गूढ़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने यह बात सुनी, मुझे यह निश्चय हो गया कि मेरी विजय संभव नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा नहीं रह गई थी। संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को, जो गौ हरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहां गए थे, मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जिस दिन मैंने यह बात सुनी कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया, संजय, उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता था। संजय, युधिष्ठिर जुए में पराजित है, निर्धन है, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। वामन अवतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई बताई जाती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं। जब यह बात मैंने सुनी, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण हैं और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। जब मैंने सुना यहां से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आरती वेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उसे भली भांति सांत्वना दी। संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और शांतनु नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा नहीं रही। जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं, वह सेना को छोड़कर हट गया। संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोकों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगा नंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, संजय,
तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओंट से सर्वथा अजेयी अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश शोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से छत विछत शरीर हो शर सैया पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शर सैया पर सोते हुए अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं, संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे महारथी वीर योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची तभी मेरी विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मुझ तक पहुंची तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखला दी, संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे शकुशल लौट गए। जब मैंने यह बात सुनी, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि युयुधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए, संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले, संजय, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना द्रोणाचार्य कृतवर्मा कृपाचार्य कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया प्रतिकार नहीं किया, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी
और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था। परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय यह बात मैंने सुनी उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे युद्ध भूमि में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्र आदि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्मयुद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, संजय, तब मुझे जीत की आशा न रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण अस्त्र का प्रयोग किया परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया परंतु वहां उपस्थित सतपुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं रह गई। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को प्रथापुत्र अर्जुन ने मार डाला, तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्रराज शल्य को मार डाला जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था, तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्यूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बलि पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया, संजय, जब मैंने यह संवाद सुना तब मेरी विजय की आशा भी चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी, संजय, मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। संजय, जब मैंने सुना कि गदायुद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतरे बदलकर रणकौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदायुद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो, संजय, मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत बिभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सीक के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशीर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही।
जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिशप्त कर दिया है, तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा सोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं, मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश होता जा रहा है, मैं चेतना शून्य हो रहा हूं, मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। उग्र सर्वाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। उग्र शर्वाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सारगर्भित प्रवचन किया। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी राजाओं का चरित्र श्रवण किया है। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न, महान राजवंशों में उत्पन्न, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्ज्वल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महारथी सैभ्य, विजयी वीरों में श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षिवान, औशिज, चाहविक, दमन, चैद्य, सरयाती, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथ नंदन श्रीराम, शशबिंदु, भगीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय और वे शुभकर्मा ययाति, जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपो खंभों से अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज सवैत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा, शौर्य, वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी विश्वक अश्व, अणुह, युवन अश्व, ककुत्स, पराक्रमी रघु, विजय, वितिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, वृहदगुरु, उशिनर, शतरथ, कंक, दुलिदुह, द्रुम, दंभोद्भव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, प्रुंड, शंभु, निष्पाप देवावृद्ध, देवाहर्य, सुप्रतिम, सुप्रतीक, वृहदर्थ, महान उत्साही और महाविनयी सुकृतु, निषदराज नल, सत्यव्रत, शांतमयी, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अनरण्य, अर्क, प्रियभृत, शुचिवृत, बलबंधु, निरामर्द, केशुश्रृंग, वृहदबल, धृष्टकेतु, वृहत्केतु, दीप्तकेतु, निरामय, अविक्षित, चपल,
धूर्त, कृतबंधु, दृढ़ेशुधि, महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग, परहा और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है। बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं, वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत शास्त्रों का श्रवण किया है, आपकी धारणा शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। भरत वंश शिरोमणि, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वह आपको विदित ही है, इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। होनहार ही ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, यह विधाता का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म, मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। जब सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती हैं, तब भी काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके, भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान हैं, वे सब काल की रसना हैं। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सूतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए निरूपण किया। विद्वान जन लोक में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवर्षि, निर्मल ब्रह्म ऋषि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन परम ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, रित, पवित्र एवं पुण्य हैं। वे ही शाश्वत परम ब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। उन्हीं से असत, सत तथा सदसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति, प्रज्ञा, प्रवृत्ति, कर्तव्य कर्म, जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सतत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप
पांच महाभूत हैं उसका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा हैं उनका भी भलीभांति निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः सायं अथवा मध्याह्न में जपता है वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है, यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का एक चौथाई भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्न पान की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ है उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वापायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है और इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन कालों में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पलड़े पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तोलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव अथवा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। अतएव महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है वह सब पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्ण आश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय हैं, अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्र अध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेशपूर्वक उपार्जित धन भी पापयुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अनुक्रमणिका पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ।